हेलो गाइज वेलकम टू माय चैनल कैसे हैं आप लोग उम्मीद करती हूँ कि सभी बहुत अच्छे होंगे आप सभी को मैं अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आज है होली तो आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं है, हैप्पी होली माता रानी की कृपा से सभी की होली बहुत अच्छे जाए और सभी बहुत अच्छे से रहे तो अभी ग्यारह बज चुके हैं और अभी से हमारा ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है और मॉर्निंग का जितना भी रूटीन होता है वो सारा खत्म हो गया है नहा धोआ के रेडी हो गई हूँ हेयर को कुछ इस तरीके से हेयर स्टाइल मैंने बनाया है और प्लीज़ आप सभी को वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा शेयर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए भी ना बिल्कुल भी मत आएगा और वीडियो को ना पूरा देखिएगा ठीक है तो देखिए मैं आ गई हूँ किचन में और अभी मैं आप लोगों को दिखा दे रही हूँ कि मैं क्या क्या बनाई हूँ सुबह से और मतलब इधर भी करती गई और उधर भी करती गई क्योंकि देख लीजिए वाह कितना अच्छा हमारा कटहल का सब्जी बन के रेडी हुआ है और इतना ज़्यादा टेस्टी लगता है ना मैं कुकर में ही कटहल की सब्ज़ी बनाती हूँ और इतना ज़्यादा टेस्टी लगता है कटहल की सब्ज़ी कि इसके सामने तो चिकन मटन भी फेल है इतना ज़्यादा अच्छा लगता है कुकर में जब मैं बनाती हूँ कटहल की सब्ज़ी और सभी बहुत पसंद करते हैं और देखिए यहाँ पर जो है खीर बनाई हूँ चावल की और ये पुआ बनाने के लिए मैं घोल के रखी हूँ सूजी मैदा का जो घोल होता है तो बस यही चलिए आप फटाफट से पुआ छकते हैं क्योंकि बच्चे सब खाने के लिए बोल रहे हैं तो यहाँ पर पहले से ही सारा कुछ करके रखे हैं तो सिर्फ चाशनी हम नहीं बनाए थे पोआ के लिए तो आधा किलो जैसे कि हम सूजी और मैदा घोल के रखे हैं तो आधा किलो ही हम यहाँ पर चीनी लिए हैं और आधा किलो ही पानी लेके और फिर यहाँ पर इंडक्शन जला के हम पहले से ही रखे हैं अब जो है लो टू मीडियम रखे हैं धीरे धीरे इसको चलाते रहेंगे और इधर सूजी बनेगा और उधर गैस पर हमने जो है तेल को गर्म होने के लिए रख दिए हैं तेल बहुत पुआ जब भी बनाएं तो तेल बहुत अच्छे से गर्म रहना चाहिए और यहाँ पर देखिए ये जो हम पुआ के लिए सूजी मैदा घोल के रखे थे ना वो थोड़ा सा गाढ़ा हो गया है तो जैसे कि सूजी मैदा फूलता है तो गाढ़ा तो हो ही जाता है तो इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के और फिर इसको जो है मिलाते जाएंगे और देखिए कुछ इस तरीके का हमें चाहिए और बस अब जितना भी पानी चाहिए था उतना हमने डाल दिए हैं और यहाँ पर तेल भी हमारा जब तक गर्म हो चुका है तो ये फर्स्ट पुआ हमने डाल दिए हैं और ये ना थोड़ा सा मोटा हो गया था बट कोई बात नहीं मतलब होता ही है जैसे फर्स्ट डाले तो वो या तो अच्छा बनता है या फिर थोड़ा सा खराब बन जाता है लेकिन आ, सच बताए तो हमारा थोड़ा सा खराब बन गया था मोटा बन गया था हमें जितना पोआ का जो हम घोल डाले उतना में दो बनता और हम एक ही डाल दिए तो कोई बात नहीं अच्छा ही लगता है और यहाँ पर देखिए एकदम करारे करारे लाल लाल करके पोआ सेक लेंगे और बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगता है और यहाँ पर बच्चे मतलब बहुत बोल रहे थे बच्चे तो होते हैं ना कोई पर्व त्यौहार होता है तो बच्चे ही ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं किसी भी चीज़ ले को लेके चाहे उनको खाना हो या फिर कपड़े पहना हो जो हो मतलब कि वो लोग बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं और देखिए यहाँ पर बच्चे भी एक बार होली खेल के नहा चुके थे और उसके बाद ही जो है मैं यहाँ पर पुआ बना रही हूँ मतलब काम करते करते थोड़ा सा लेट हो जाता है और देखिए यहाँ पर कितना करारे करारे मैं पुआ सेक रही हूँ क्योंकि हम लोगों के जो है ऐसा ही पुआ अच्छा लगता है तो चलिए सारा पुआ सेक मतलब थोड़ा सा सेक लिए हैं और बच्चे को खाना ही है तो फटाफट से सब्जी निकाल दिए हैं और पुआ में जो चाशनी डुबा डुबा के और इन लोगों को दे देते हैं आप लोग भी आ जाइए पुआ खाने के लिए और देखिए मैंने इन लोगों को दे दिए हैं और ये लोग बहुत ही मस्त एकदम एन्जॉय कर कर के खा रहे हैं मतलब कि और देखिए कितना ज़्यादा मतलब सुबह से उठे हैं तो इन लोगों को बस होली खेलना ही है ये लोग एकदम से होली ही खेल रहे थे सुबह से और एक बार नहा लिए हैं और फिर उसके बाद खाना खा रहे हैं थोड़ा सा रेस्ट करेंगे मतलब पूरे दिन इन लोगों को होली ही खेलना होता है आज बच्चों को ही होता है होली और बहुत अच्छे लगते हैं और देखिए ये सब कुछ हो गया है और उसके बाद हमें कैमरा उठाने के मौका नहीं मिला तो अभी चार बज रहे हैं और देखिए मैं थोड़ा सा जो है बच्चे लगा दिए हैं अबीर और मैं रंग वगैरह नहीं खेलती हूँ क्योंकि हमें अच्छा नहीं लगता है एलर्जी समझ लीजिए मैं कभी पैर भी नहीं अपने हाथ से रंगाती हूँ तो आज के लिए इतना ही इसका पार्ट टू कल आएगा आप लोग ज़रूर देखिएगा बाय बाय वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक